नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूँ अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट इक्वेसेटम के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होगा हैबिटेट एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट इक्वेसेटम। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप सभी के TGT बायोलॉजी, LT ग्रेड, GIC, PGT, MSc, BSc, नीट और क्लास 12th और साथ ही साथ CPMT के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके इन सभी एग्जाम्स की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, PDF और क्वेश्चनेयर लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट TGT PGT बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि हैबिटेट एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट इक्वेसेटम। तो दोस्तों चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट सिस्टमैटिक पोजिशन, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमिक पोजिशन ऑफ टेरिडोफाइट इक्वेसेटम। चलिए, सबसे पहले किंगडम की बात करेंगे। तो जो किंगडम है इक्वेसेटम का वो है प्लांटे। फाइलम की बात करी जाए तो फाइलम है टेरिडोफाइटा। क्लास की बात करी जाए तो क्लास है इक्वीसेटॉप्सिडा। देखिए, प्रोनंसिएशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट हियर। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो योर प्रोनंसिएशन शुड बी क्लियर, ठीक है। देखिए, तो क्लास है यहाँ पे इक्वीसेटॉप्सिडा, ठीक है। ऑर्डर क्या है? इक्वीसेटेंस। फैमिली है इक्विसिटेसी। देखिए, जहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी AC लग जाए किसी भी टर्म के पीछे तो वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। जीनस क्या है? देखिए, तो जीनस है आपका इक्विसेटम। स्पीशीज है, स्पीशीज कोई भी हो सकती है, पर बेसिकली यहाँ पे जीनस इक्विसेटम है। तो स्पीशीज डिपेंड करती है कि किसके बारे में, किस प्लांट के बारे में, हम किस स्पेसिफिक प्लांट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। किंगडम है प्लांटे, फाइलम है टेरिडोफाइटा, क्लास है इक्विसेटॉप्सिडा, ऑर्डर है इक्विसेटेंस, फैमिली है इक्विसिटेसी और जीनस है इक्विसेटम और स्पीशीज़ एज पर प्लांट से डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये था आपका सिस्टमैटिक पोजीशन या टेक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ इक्विसेटम। चलिए, अब बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेहद ही इम्पॉर्टेंट, कि इक्विसेटम आपका पहली चीज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट भी है और दूसरी चीज़ जेरोफाइटिक प्लांट भी है, यानी कि दो टाइप के प्लांट्स के फीचर जो है ये शो करता है। कैसे, इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हैबिटेट की बात करते हैं। तो प्लांट बॉडी जो होती है इक्विसेटम की, इसका जो इसकी जो बॉडी होती है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला एक होता है आपका एरियल पार्ट, जो कि सॉइल के ऊपर रहता है, और दूसरा होता है अंडरग्राउंड पार्ट, जो कि सॉइल के नीचे रहता है। तो इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? एरियल पार्ट, ठीक है। तो इक्विसेटम की जो बॉडी है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पहला है एरियल और दूसरा का है अंडरग्राउंड राइजोम पार्ट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो राइजोम होता है ये वाला सेक्शन, ये पेरिनियल हॉरिजॉन्टल और ब्रांच्ड होता है और क्रीपिंग इन नेचर होता है, यानी कि ये क्रीपी इस टाइप से ज़मीन पर रेंगते हुए नजर आते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्रीपी कहा जाता है। इसके साथ ही जो एरियल पार्ट होता है हर्बेशियस होता है, यानी वुडी नहीं होता, थिन होता है, ठीक है। और एनुअल प्लांट्स यानी मैक्सिमम इनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक साल में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज़ आर स्मॉल इन साइज, यानी ज़्यादातर जो इक्विसेटम की स्पीशीज़ है दैट आर स्मॉल इन साइज, अप टू 15 and 16 cm इन हाइट एंड 2.0 cm इन डायमीटर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट हो सकती है स्मॉलेस्ट प्लांट्स की। अच्छा, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं, ठीक है, इक्विसेटम की, जिनके हाइट नॉर्मल इक्विसेटम से भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कुछ के एग्जांपल हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं, इन्हें आप याद कर लें। देखिए, जनरल चीज़ें तो सभी को याद होती हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, कितनी हाइट हो सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं यही आपके एग्जामिनेशन पर्पसेज से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि इक्विसेटम गाइगेंटियम, जिसकी हाइट मैक्सिमम 13 मीटर तक देखी गई है और ये टॉलेस्ट इक्विसेटम की स्पीशीज़ है, ठीक है। सेकेंड, इक्विसेटम टेलमेटिया, तो इसकी हाइट होती है 2 मीटर, ये भी मैक्सिमम देखा गया, लेकिन मैक्सिमम आप एक गाइगेंटियम जो है इसी को मैक्सिमम मानिएगा, ठीक है। एक और स्पीशीज़ है और जिसकी हाइट करीबन 4 मीटर के करीब में नोट की गई है, ठीक है, लेकिन इनका जो स्टेम है वो रिलेटिवली थिन होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल साइज ऑफ इक्विसेटम प्लांट्स, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आगे देखिए, वाइन लाइक हैबिटेट जो होते हैं वो शो करते हैं और क्लाइंब करते हैं एडजेसेंट फॉरेस्ट ट्री के ऊपर, यानी कि मान लीजिए पेड़ है और नीचे इक्वेसेटम है, तो ये क्लाइंब करते हुए सेकेंड जो ट्री है उसके ऊपर ये अटैच हो जाता है, और अटैचमेंट के बाद जो है उसी पे चल के क्लाइंब करता रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इक्वेसेटम का। अगला देखिए, चलिए बात करते हैं इक्वेसेटम के हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट जो होता है जहाँ पे प्लांट एग्जिस्ट करता है, कई कई बार वेट एरिया और वेट और डैम्प एरियाज में भी पाया जाता है, यानी कि सूखे और गीले दोनों एरिया हैबिटेट जो है ये इसके हैं, ठीक है। इसके साथ ही रिवर बैंक्स और जो रिवर स्ट्रीम्स होती हैं उनके किनारे, यानी नदी के किनारे ज़्यादातर इसे देखा गया है, और इरिगेशन कैनाल्स यानी कि जो नाली बनाई जाती है जिनमें से पानी का पैसेज होता है वो इरिगेशन कैनाल्स कहलाती हैं। बहुत लोगों को ये टर्म है बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। इरिगेशन कैनाल मीन्स जो खेत आप बनाते हैं, जो जिन लोगों का बैकग्राउंड रहा है इस टाइप का तो उन्हें पता होगा कि मान लीजिए आपने गार्डन ही देखा, ठीक है, छोटा सा, तो गार्डन के बीच में आप पैसेज बनाते हैं पानी जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इरिगेशन कैनाल, यानी कि जो नाली जिसमें पानी जाता है, ठीक है, ये इरिगेशन कैनाल हुआ, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिन्होंने जेरोफाइटिक जो जेरिक कंडीशन यानी कि जो ड्राइड कंडीशन वाली हैबिटेट है या जो फीचर्स है उन्हें अपना लिया है, ठीक है। जैसे कि इक्वेसेटम एरवेंस, इस स्पीशीज ने, इस इक्वेसेटम की स्पीशीज ने सारे हैबिटेट जो है एक जेरोफाइटिक प्लांट्स के अपना लिए हैं, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल है इंडियन के, इंडियन स्पीशीज भी हैं जैसे कि इक्वेसेटम एरिवेंस, इक्वेसेटम डेबाइल, इक्वेसेटम डेफ्यूजम और इक्वेसेटम रेमिसियम, ठीक है। ये सारी स्पीशीज़ क्या है, इंडिकेटर्स होती हैं मिनरल कंटेंट की, ठीक है, यानी जहाँ पर भी मिनरल का अमाउंट ज़्यादा होता है ये वहीं पर उग जाती है, ठीक है। तो एक क्या कहते हैं, इंडिकेटर की तरह काम करता है। कुछ ऐसे स्पीशीज़ होती हैं जो कि जहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, जहाँ पर गोल्ड पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि या गोल्ड को एक्यूमुलेट किए होती हैं, जैसे कि करीबन 4 से 5 आउंस पर टन ऑफ ड्राई वेट, तो ऐसा बहुत कम ही स्पीशीज़ में देखा गया है, और इन्हें गोल्ड इंडिकेटर प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन द गिवन एग्जाम्पल्स विच इज़ नोन एज गोल्ड इंडिकेटर, तो आप कहेंगे इक्विसेटम, ठीक है। विच इज़ नोन एज मिनरल इंडिकेटर, तो मिनरल में कौन आएगा, इक्विसेटम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखिए, अब बेहद ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से एक फीचर ये भी है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इक्विसेटम की जो एक्सटर्नल लेयर है वहाँ पर सिलिका डिपॉजिट होता है इनकी आउटर वॉल पे, ठीक है। जो एपिडर्मल सेल्स होती है उनके ऊपर सिलिका डिपॉजिट होता है और ये कैरेक्टरिस्टिकली रफ फीलिंग देता है प्लांट को, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एपिडर्मल जो सेल है उसके ऊपर सिलिका डिपॉजिट होता है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है अगेंस्ट प्रिडेटर और पैथोजेंस, यानी कि इस सिलिका की कवरिंग के द्वारा, रफ कवरिंग के द्वारा एक आउटर लेयर बन जाती है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अगेंस्ट प्रीडेटर्स और पैथोजेंस, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो भी फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके टीजीटी के पर्पसेस से इंपॉर्टेंट है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, या तो पैनर पेपर लेकर लिख लीजिए, या फिर हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप वहाँ से आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो प्लांट है वो एक्सटर्नली कैसे दिखाई देता है और कैसे उसके इंपॉर्टेंट जो विजिबल फीचर्स है, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी, क्योंकि एक टेरिडोफाइट है तो इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है। और स्पोरोफाइट जो होता है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर स्टेम, रूट और लीव्स में कैटेगराइज होता है इक्विसेटम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेम की बात करते हैं। चलिए, तो स्टेम के पार्ट में आपको 2 चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान रखना है। पहला कि स्टेम, देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक ही स्टेम है, 2 टाइप्स के नहीं है, 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, मतलब विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी 2 की, ठीक है। कैसे, देखो एक स्टेम वो कि, एक सेकेंड, ये देखिए एक स्टेम ये कि ऐसा क्रीपी नेचर का, ठीक है, जो कि आगे चल करके बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हो गया। तो ये आप एक पहला सेक्शन होता है स्टेम का जो कि इस तरीके से ट्रेलिंग होता है, क्लाइंबिंग होता है। दूसरा देखिए जो बिल्कुल इरेक्ट होता है, ठीक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट ये है, एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल की नहीं। दूसरा पार्ट के यहाँ पे जो ब्रांचेस होते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहला जो होता है वो होती है फर्टाइल ब्रांच जिसमें कि स्ट्रोबिलस अटैच्ड होता है कुछ इस प्रकार से।
दूसरी जो होती है वो नॉन फर्टाइल होती है, इनफर्टाइल ब्रांच होती है, जिसमें कि स्ट्रोबिलस नहीं अटैच होता है, स्ट्रोबिलस अटैच स्ट्रोबिलस वहाँ पे डेवलप ही नहीं करता, जस्ट लीव होती हैं और फिर ब्रांचेस होती हैं, तो ये आपकी कहलाती है नॉन फर्टाइल ब्रांच। ठीक है, तो दोनों ब्रांचेस के बीच में आपने मेरे ख्याल से अंतर जो है वो समझ लिया होगा। अब देखिए, अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे जो मेन स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड और एरियल ब्रांचेस में डिवाइड होता है। एरियल मतलब कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना ये है, और अंडरग्राउंड मतलब ये जो राइजोइड्स आप देख रहे हैं ना, राइजोम ये। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द प्लांट। तो ये दो सेक्शंस में इसका जो है स्टेम वो डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो इनकी स्टेम होती है, एक सेकेंड स्क्रीन को क्लियर कर ले, ये जो आप स्टेम देख रहे हैं इनकी, इस स्टेम के अंदर नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। इन सभी ब्रांचेज मतलब ब्रांचेज जहाँ से भी अराइज होती है इनके बीच में नोड्स पाए जाते हैं और इंटर नोड। देखिए यहाँ जो ब्रांच जहाँ से अटैच हुई है, ठीक है, या आप कहें यहाँ से बाईफेड हुई है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, यहीं पर जो होता है नोड प्रेजेंट होता है, या आप दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हैं जहाँ पर भी नोड पाया जाता है वहीं से ब्रांचेज है जो कि अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इंटर नोड्स मतलब इन दोनों नोड्स के बीच की स्पेस जो होती है वो। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये जो नोड्स आप देख रहे हैं ना कुछ इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं नोड्स, इन्हीं नोड्स के किनारे छोटे छोटे बिल्कुल लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बेस में अटैच्ड होती हैं। तो आपको एक तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है, लीफ का, और लीफ यहाँ पे वॉल टाइप की होती है और जॉइंट होती है एट द बेस, और एक शीथ लाइक जो स्ट्रक्चर है अराउंड नोड उसका फॉर्मेशन करती है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच जो है उस पर अगर बड की फॉर्मेशन होती है, तो बड जो होता है वो स्केल के बिल्कुल अल्टरनेट होता है। ठीक है, मतलब ये आपका बड है, ठीक है, तो यहीं पे आपका क्या निकलेगा, स्ट्रोबिलस निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ स्पीशीज लाइक इक्विसेटम एरिवेंस और इक्विसेटम टैलमीडिया, यहाँ पे कुछ ब्रांचेस जो होती हैं उन पे बड की जगह बड जो है वो बिल्कुल ही डेवलप नहीं होता, और एरियल ब्रांचेस जो होती हैं वो छोटे छोटे ट्यूबर्स में डिवाइडेड हो जाती हैं। ठीक है, एरियल ब्रांचेस मतलब एक तो यहाँ पे देखिए स्ट्रोबिलस प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है, इन सब स्पीशीज़ में। सेकंड थिंग इज कि इनकी जो नीच जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यहाँ पे आपको एक सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसे ट्यूबर के नाम से जाना जाता है। ट्यूबर का फंक्शन क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ट्यूबर। ठीक है, कैसे पार्टिसिपेट करता है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, खैर इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ट्यूबर आपका क्या होता है, ट्यूबर इज पैरिनेटिंग ऑर्गन। पैरिनेटिंग मतलब क्या, प्रोपगेट करने वाला, ठीक है, जो कि आगे चल करके एक न्यू प्लांट के रूप में जन्म लेता है, और फेवरेबल कंडीशन आने पर, ठीक है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है सर्कुलर ही बना रहेगा बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब राइजोम्स की बात करते हैं, तो राइजोम यहाँ पे दो टाइप्स के एरियल शूट्स प्रेजेंट होते हैं इसके जो राइजोम होते हैं उसमें। ठीक है, पहला है वेजिटेटिव और दूसरा होता है फर्टाइल शूट, उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, तो ये चलिए इसको स्किप कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वेजिटेटिव शूट जो होता है वहाँ पे दो टाइप्स की ब्रांचेज अराइज करती हैं, पहला होता है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरा है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, अब आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से लिमिटेड ग्रोथ है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहीं पे जा करके ब्रांचेस जो है वो खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ब्रांचेस ऑफ व्हाट, लिमिटेड ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रांच यहाँ फटी, ठीक है, फिर यहाँ से फिर निकली ब्रांच, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से निकली, तो आप इसे क्या कहोगे, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, यानी कि जहाँ से लगातार बड्स निकलते रहे, जो ब्रांचेज हैं वो राइज होते रहे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड, यानी कोई ग्रोथ कोई भी लिमिट नहीं है ब्रांचेस की। ठीक है, आप देखिए यहाँ जो राइजोम होता है एज वेल एज एरियल शूट ऑफ इक्विसेटम, ये एक आर्टिकुलेटेड और जॉइंट अपीयरेंस लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर नजर आता है। ठीक है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट नोड और इंटर नोड्स, यानी कि नोड्स और इंटर नोड्स जो होते हैं वो इजीली विजिबल होते हैं, और इसी कारण ये रिजिस लाइक स्ट्रक्चर इनके बॉडी पर पूरा नजर आता है। इंटर नोड जो होता है वो हॉलो होता है और उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिजिस और ग्रुप्स जो होते हैं वो बनी हुई होती हैं। अब देखिए आगे जो ग्रूव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब आपकी स्क्रीन पे वो स्ट्रक्चर है जिसे आपको देखना है, ये देखिए ये है आपका नोड। ठीक है, ये नोड है, यही नोड से ब्रांचेस अराइज होती हैं। ठीक, और ये लीफ देखिए वॉल टाइप की है लेकिन बेस इसका अटैच है, तो एक शीथ टाइप की फॉर्मेशन ये करते हैं स्टेम के ऊपर। ठीक है, रिजेस जो है यहाँ पे इस इमेज में आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है,
चलिए अब लीफ की बात करते हैं। तो लीफ यहाँ पे कैसी होती है, छोटी यानी कि माइन्यूट होती है, स्केली होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही लीफ ही है, ठीक है। आइसोफाइलेंस होती है, आइसोफाइलेंस मतलब कि सारी जो लीफ है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है। दे अराइज इन वर्ल्ड इन द नोड्स, नोड्स पर ये वर्ल्ड की तरह यानी कि गुच्छे की तरह अराइज होती हैं। और अंडरग्राउंड पार्ट में भी यानी अंडरग्राउंड राइजोम में भी और एरियल ब्रांच दोनों में ही ये लीफ आपको नज़र आएंगी। ये नहीं कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है वहाँ पे लीफ नहीं प्रेजेंट होंगी, वहाँ भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि फ्यूज इनके जो बेस होती है वहाँ पे फ्यूज्ड होती है और इसलिए एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आता है, फ्रिल लाइक अपीयरेंस देती है, ठीक है। फ्रिल मतलब गैदरिंग, यानी कि जो आप ऐसे झालर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं ना, इसे क्या कहा जाता है, फ्रिल, ठीक। यहाँ देखिए जो डिग्री ऑफ फ्यूजन होता है बिटवीन लीव्स एंड नंबर ऑफ लीव्स एट द नोड वेरीज कंसिडरेबली नॉट ओनली वन अमंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इक्विसेटम, यानी कि यहाँ जो नंबर ऑफ लीव्स होता है कितना प्रेजेंट होगा, कितना अटैच्ड होगा, इसका कोई फिक्स जो है वो रेशियो नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पीशीज जो होती है जिनके पास नैरो स्टेम होता है यूजली, और कुछ लीव्स होती हैं जैसे कि इक्विसेटम, सिरोपॉइड्स, और उनकी जो थिक स्टेम होती है उनके पास कई सारे लीव्स प्रेजेंट होती हैं, अप टू 40, ठीक है, एट ईच नोड। यानी यहाँ पे कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनके पास नंबर ऑफ लीफ की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, 40 के करीब में, ठीक है। और यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वो कंपेरेटिवली थिकर होती हैं, स्टेम भी जो होता है वो कंपेरेटिवली थिकर होता है, और इसलिए इसका एग्जाम्पल है देखिए इक्विसेटम शेफ्रेनी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये इस टाइप की जो लीव्स हैं तो नॉर्मल सी हैं, लेकिन इस जो जिस लीव के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और हमने पहले भी कहा है जो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है उसको ज़रूर नोट कर लिया करिए, क्योंकि यही एग्जामिनेशन पर्पसेस से इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आगे देखिए जो लीव्स होती है इक्विसेटम की, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, यानी कि इनका मेन फंक्शन जो होता है ये होता है ब्रांच को प्रोटेक्ट करना और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक लीव्स नहीं है, यानी इनका फंक्शन आप जैसे लीफ को आपको पता होगा पावर हाउस नहीं सॉरी लीफ को किचन ऑफ द हाउस, किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीफ है इसका ये इसका फोटोसिंथेसिस में कोई भी रोल नहीं होता, ये नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से, आपको पूछा जाएगा कि जो लीफ का फंक्शन होता है इक्वेसेटम में वो क्या होता है, तो उसमें एक फोटोसिंथेसिस भी होगा, तो आपके माइंड में चीज़ स्ट्राइक करेगी कि हाँ लीफ मतलब क्या होता है, किचन ऑफ द सेल, सॉरी किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है, किचन हाउस ऑफ द प्लांट। अब ये बताइए जब आपका कॉन्सेप्ट पहले से ये था, आपके पास प्रायर एक्सपीरियंसेस थे, यही आपने प्रायर नॉलेज में यही पढ़ा था, तो आप एग्जाम्स में भी वही लिख देंगे। हालांकि यहाँ पर जो लीफ का फंक्शन है वो अलग होता है, इसका फंक्शन होता है ब्रांचेस को प्रोटेक्ट करना और नोड जो होते हैं नोड्स को भी प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये एक बात हुई, एक एस्पेक्ट हुआ। तो दोस्तों आज हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के बारे में डिस्कशन किया, मेरे ख्याल से जो आज का वीडियो था आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इक्विसेटम प्लांट, ठीक है। देखिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मैम वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ज़्यादा पार्ट्स में आप इसको बनाते हैं। तो बच्चों एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपसे बोलना है कि देखो यहाँ पे हम जो वीडियोस बनाते हैं ना उनका फंक्शन, उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि आपको जो टॉपिक है ना उसको आप इतना ब्रॉड करके ना पढ़ो कि आपको बोरियत लगने लगे, ठीक है। हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं, ऐसे भी किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी काम को करने के लिए आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हमने अपने सिलेबस को, सिलेबस के पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो बच्चा भी देख रहा है वीडियो जो कि पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी देख रहा है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी देख रहा है जो कि सीपीएमटी की, और वो भी देख रहा है जो बीएससी एमएससी या फिर टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मकसद क्या है कि आपको वो कॉमन नॉलेज प्रोवाइड करना है जो सभी के एग्जाम से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यही इंटेंशन है, तो घबराइए नहीं, वीडियो को एक एक करके देखिए, 5, 10 मिनट, 25 मिनट या जितनी भी वीडियो होती है बीच बीच में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सभी को हमारा चैनल पसंद आया होगा, दीजिए इजाज़त, हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।